आइए जानते हैं औसान बीबी की पूजा के बारे में। औसान बीबी की पूजा का शुद्ध रूप औसान विधि की पूजा है। हमारे देश के पूर्वी प्रांतों में से अचानक देवी व्रत कहते हुए विवाह आदि शुभ कार्योपरांत सात सधवा स्त्रियों को आमंत्रित करके उनके सुहाग की पूजा की जाती है। भगवान राम सीता के विवाह उपरांत जनकपुरी लौटने पर राजा दशरथ ने सुहागन स्त्रियों को सम्मानित किया था। पूजन के बाद गुड़ मिश्रित चने की दाल का प्रसाद बांटा था। सधवा स्त्रियों को भोजन कराने का भी नियम है। हरि कीर्तन करके रात्रि व्यतीत करनी चाहिए। कथा। एक समय की बात है, दो भाई बहन थे। भाई को चिड़िया पालने का बड़ा शौक था। वह दिन और रात उन्हीं की देखभाल में लगा रहता था। जब भाई की सगाई हुई तो वह उसी दिन से दुबला होने लगा। एक दिन बहन ने भाई से इसका कारण पूछा तो उसने बताया कि मुझे किसी भी बात का कोई दुख नहीं है, किंतु मुझे यही चिंता लगी रहती है कि जब मैं बारात के साथ विवाह कराने के लिए जाऊंगा तो मेरे पीछे 3-4 दिन तक मेरी चिड़ियों को दाना पानी कौन देगा। यदि इनकी देखभाल में थोड़ी सी भी लापरवाही या देरी हुई तो कठिन परिश्रम से पाली हुई मेरी चिड़ियाँ बेमौत मर जाएंगी। बहन ने भाई को धैर्य बंधाया और कहा कि तुम जरा भी चिंता न करो, यह काम मैं अपने जिम्मे लेती हूँ। तुम्हारी चिड़ियों को दाना और पानी मैं स्वयं दूंगी और तुम्हारा विवाह से लौटने तक मैं उन्हें किसी प्रकार का कष्ट न होने दूंगी। कुछ दिनों में विवाह की तिथि आने पर भाई दूल्हा बनकर बारात के साथ चला गया। बहन भी घर के नेगचार के काम में व्यस्त रहने के कारण चिड़ियों को समय पर दाना पानी न दे सकी। जब वह कुछ अवकाश पाकर चिड़ियाखाने में गई तो उसने देखा कि अधिकांश चिड़ियाँ मरी पड़ी है। यह देख वह भारी संकट में पड़ गई। उसने मन ही मन औसान बीबी का स्मरण किया और कहने लगी, हे देवी, आपकी कृपा से चिड़िया जी उठी तो मैं दुरैया कराऊंगी। देव योग से सब चिड़िया जी उठी। तब बहन ने उनको दाना पानी दिया। चिड़ियों को दाना पानी देकर वह बाहर चली गई और अपने मन में यह विचार कर खड़ी हो गई कि यदि कोई इधर से निकले तो उससे कुछ भुनाऊं और फिर सुहागिनों को न्योता पर बुलाऊं। तभी उधर से एक बारात निकली। लड़की ने बारातियों से प्रार्थना की, कोई मेरे चने भुना कर ला दो, किंतु बारातियों ने इनकार कर दिया। बारात ने गांव से आगे चलकर एक अच्छा स्थान देखकर वहां विश्राम किया तो दूल्हा अपने आप मूर्छित हो गया। लड़की अपने घर के द्वार पर खड़ी ही थी। थोड़ी देर बाद उधर मुर्दे को कंधे पर लिए हुए कुछ आदमी जा रहे थे। लड़की ने मुर्दे के साथ जाने वाले लोगों से कहा कि कोई मेरे चने भुना कर ला दो तो मैं सुहागिनों को न्योत बुलाऊं। उनमें से एक ने कहा, क्या हर्ज है, इसके चने भुनाने में देरी कितनी लगेगी, मुर्दा जलाने को अभी बहुत समय है। यह सोचकर कुछ लोग चने भुनाने के लिए चल दिए। तभी अर्थी पर से मुर्दा उठकर बैठ गया। यह देखकर लोगों को बहुत आश्चर्य हुआ और सबने लड़की के पास जाकर श्रद्धा से नमस्कार करके पूछा, बहन, तुमने यह क्या जादू कर दिया कि जिससे मुर्दा जीवित हो गया। लड़की ने उत्तर दिया, मुझे इसके बारे में क्या मालूम, मेरी दुरैया जाने, औसान बीबी जाने। मैंने औसान बीबी से प्रार्थना की थी कि मेरे भाई की मरी चिड़िया जी उठे तो भुने चने का प्रसाद बांटूंगी। उनकी पूजा के प्रसाद के लिए चने भुनाने चली थी। तुम लोगों ने जाकर चने भुना कर ला दिए और तुम्हारा मुर्दा जी उठा। यह सब औसान बीबी की माया है। उन लोगों ने भी सुहागिनों को न्योता पर बुलाया और औसान बीबी की विधिपूर्वक पूजा की। जिन लोगों का दूल्हा बेहोश हो गया था वे भी लौटकर उसी जगह आए। उन्होंने लड़की से पूछा कि तुमने हमारे दूल्हे को क्या कर दिया जो वह अपने आप मूर्छित हो गया। लड़की ने कहा, मैं क्या जानूं, मेरी औसान बीवी जाने। उनकी पूजा के लिए चने भुनाकर ला देने वालों का मुर्दा जी उठा और तुमने इनकार किया तो तुम्हारा दूल्हा अचेत हो गया, इसमें मैं क्या करूँ। उन लोगों ने लड़की से कहा कि हमें औसान बीवी की पूजा विधि बता दो, हम भी घर पहुंचकर उनकी पूजा करेंगे। लड़की ने उन्हें पूजा की विधि बता दी। पूजा का संकल्प करते ही दूल्हा स्वस्थ हो गया। तब उन लोगों ने घर पहुंचकर सात सुहागिनों को न्योती और उनके आंचल भरकर श्रद्धापूर्वक औसान बीबी की पूजा की। इधर जब लड़की का भाई विवाह करके लौटा तो लड़की की माता ने औसान बीबी का पूजन किया। तभी से विवाह के अंत में औसान बीबी की पूजा का प्रचलन हो गया।